ये जो मैं लिखने वाला हूं ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फोर्थ रिएक्शन ये थर्ड था, ये टू था। जितना दारू पानी और चखना इंपॉर्टेंट था उतना ये नहीं है। PCl5+SN, तो ये है रिएक्शन विथ मेटल। क्या रिएक्शन विथ मेटल प्लस कॉपर, और भी क्या पूछ सकता है? PCl5 रिएक्ट विथ SO2, PCl5 रिएक्ट विथ P4O10, PCl5 रिएक्ट विथ HNO3, और लास्ट है PCl5 रिएक्ट विथ H2SO4। 6 से लेके 10 तक ओनली फॉर एडवांस है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। 6 से लेके 10 तक क्या है? ओनली फॉर एडवांस, एनसीईआरटी में नहीं है। 4 और 5 एनसीईआरटी में है। ठीक है, देखो क्या बनेगा। AgCl क्या बन जाएगा? AgCl, और PCl5 कहाँ चला जाएगा? PCl3 में। PCl3 SN कहाँ जाएगा? SnCl4 में, और ये हो जाएगा PCl3 में। कॉपर कहाँ जाएगा? 0 से +1 में, तो CuCl और PCl3। तो ये तो बड़ा आसान था, रिएक्शन विथ मेटल। ये टॉपिक क्या था? रिएक्शन विथ मेटल। SO2 में क्या होगा? क्या बोला मैं? SO2 में, तो मैंने आपको बताया है कि भाई PCl5 के दो सीएल तो उड़ जाएंगे, दो SOCl2 बनेगा PCl3। PCl3, इसका एक ओ बच जाएगा ना, फिर ओ हाँ बनेगा सर, POCl3। क्या बनेगा? ये P है POC। और SOCl2 है ना, SO2 था ना, SO2। तो एक ओ ले चला गया PCl3 वाला, और ये दोनों आ गए दोनों Cl2 के साथ। ठीक है, PCl5+P4O10, ये बैलेंसिंग में काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार एडवांस में आ चुका है, एक बार एडवांस में आ चुका है। 6 मोल PCl5P4O10, 10 मोल बनता है POCl3। क्या बनता है? 10 मोल POCl3। ये एक बार सब्जेक्टिव में पूछ रखा है। PCl5+नाइट्रिक एसिड, दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट है ना, बस जेडली को आपको पढ़ने में समय वेस्ट ना हो इसलिए बता दिया मैं। ये बनता है POCl3 प्लस NO2Cl, है ना, NO2+ NO2Cl बनता है, HCl, SO2Cl2, सल्फ्यूरिक क्लोराइड और HCl। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा नॉट इम्पॉर्टेंट, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, और पानी दारू और चखना पूछ सकता है। यही 5 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है मेंस के पर्सपेक्टिव से। एडवांस के लिए ये वाली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक केमिकल बॉन्डिंग की बात है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि PCl5 अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो उसका कैटायन और एनायन क्या होता है? PCl5 अगर सॉलिड फॉर्म में, उसका कैटायन और एनायन क्या होता है? सर PCl3+ और Cl2-। नो, ये जो PCl5 होता है ना, TBP, ये गैस और लिक्विड में होता है, टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सॉलिड में एक कटायन और एनायन के फॉर्म में होता है, बताओ कौन सा कटायन कौन सा एनायन? बड़ा फेमस सा है, वेरी गुड तेजस, क्या बात है, याद है आपको। PCl4+ और PCl6-। अब तुम चाहे इसे प्लस को अंदर रखो चाहे बाहर रखो, उतना फर्क नहीं पड़ता। PCl4+ और PCl6-, तो ध्यान से देखो कैसे आपको फंसाएगा। वो बोलेगा व्हाट इज द, ध्यान सुनना आप, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड PCl5। क्या बोलोगे? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड PCl5? क्या बोलोगे? SP3 एंड दिस इज D2। SP3D ठीक है, D2 यहाँ पे यस। आप गलती कर सकते हो इसलिए बता दिया मैं। और बाकी ये जो जो मैं रिएक्शन लिखा हूं उसको बिल्कुल भी रटने की कोशिश मत करना है ना। तो क्यों पढ़ा दिया सर? बस आत्मा की संतुष्टि मिले, ताकि मैं बोल सकूं नोट्स बाहर नहीं आएगा है ना। चलिए आगे बढ़े। सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अच्छा देख रहे हो कितना बड़ा टॉपिक है ये,
है ना, कब से हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा टॉपिक है। और भाई साहब पक्का क्वेश्चन आएगा, लिख के दे रहा हूं मैं। और ये एनसीईआरटी में नहीं है तो मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस में आता है। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दिया है ये। आओ प्रिपेयर करें, क्या करें, प्रिपेयर। तो प्रिपरेशन क्या है, P4 प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, ये P4O6, ठीक है, 3 mol O2, बस यही प्रिपरेशन, खत्म, डिटेल में जाना नहीं है। कैसा होता है ये, सॉफ्ट वाइट सॉलिड होता है और गार्लिक लाइक स्मेल, कैसा होता है, गार्लिक लाइक स्मेल होता है इसका, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं जाऊं तो P4O6 में अगर मैं डाल दूं O2 2 mol, सोचो क्या बनेगा, तुम खुद सोचो, आपके मन में आ गया होगा आंसर, बता नहीं रहा क्या बनेगा। क्या बनेगा, हाँ दिख रहा होगा, P4O10। दिस इज ओनली फॉर एडवांस, मतलब ये टॉपिक ही सिर्फ एडवांस के लिए है, लेकिन एडवांस में ये पूछ सकता है P4O6 प्लस Cl2। ये बनता है POCl3 और PO2Cl, जेडली का है ये पोर्शन, है ना। तो नाम कई बार सुना है, इसका मैं नाम ले देता हूँ, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इतनी बार तो आया है पता ही होगा आपको। ये क्या है, जैसे वो बनता है ना S3PO2, S3PO2 होता है ना, आपको सुना होगा, मेटा फॉस्फोरस एसिड, तो वहीं से लिया गया है, मेटा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। मेंस में बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये P4O6 प्लस वाटर, P4O6 प्लस वाटर, सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है एक बार ठंडा है एक बार हॉट है, एक बार ठंडा है एक बार क्या है, हॉट। तो ये S3PO3 है, ये 4 mol है। देखो यूजली यही पूछेगा आपसे, अगर मैं से पूछता तो ये पूछेगा, अगर आपको ठंडा गर्म ना दे तो आप देखना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 वाला बना देना, ठीक है। अगर ठंडा गर्म नहीं देता तो आप सिंपल सा यही बनाओगे, लेकिन अगर वो स्पेशली हॉट लिख के देगा तो वो पहले S3PO3 बनाता है, फिर उसे ऑक्सीडाइज कर देता है S3PO4 में, इवन वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। क्या आपको याद आ रहा है कि S3PO3, अरे PS3 के प्रिपरेशन पढ़ाया था कि S3PO3 को हीट करोगे तो ये बनता है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, कुछ नया नहीं है तेजस, याद आ रहा है, ये कुछ बिल्कुल भी नया नहीं है। S3PO3 पहले बनेगा, बनेगा तो वही, लेकिन अगर आपने हॉट कर दिया है तो मतलब गर्मी दे दिए हो, S3PO3 को हॉट करोगे तो वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है इसमें, ये हमने आपको PH3 के प्रिपरेशन में पढ़ाया था। तो ये बिल्कुल भी रटने वाली रिएक्शन नहीं है, बस इनऑर्गेनिक में भी कॉन्सेप्ट होता है, जरूरी नहीं कि सब कुछ रटा जाए, ठीक है, देख लो। अच्छा इसका एक हीटिंग इफेक्ट बताता हूं मैं, हीटिंग इफेक्ट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। अगर आप 4P4O6 को हीट करते हो 210 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बन जाता है 3 mol P4O8 प्लस P4, रेड फॉस्फोरस बनता है, क्या बनता है, रेड फॉस्फोरस, और इसको बोलते हैं फॉस्फोरस टेट्राऑक्साइड, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस टेट्राऑक्साइड। तो तीन ऑक्साइड आप सुनते होंगे, एक P4O6, एक P4O8 और एक P4O10, ठीक है, इसमें से दो ही फेमस है, इसमें से क्या है, दो ही फेमस है, कौन कौन सा, एक P4O6, एक P4O6 और 10, हाँ 8 वाला उतना फेमस नहीं है, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर बताओ, आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है,
पी फोर ओ सिक्स के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं? पी फोर ओ सिक्स के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं बताओ? देखो पी फोर ओ टेन का आईआईटी पूछ रखा है, पी फोर ओ टेन का आईआईटी पूछ रखा है, पी फोर ओ सिक्स का पूछ सकता है, किसी को पता है? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन पी फोर ओ सिक्स? P4O6 में 20 अबे P4O10 में 16 होते हैं। देखो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, बारह सिग्मा बॉन्ड है P4O6 में। कितने POP बॉन्ड है, कितने POP बॉन्ड है दिख रहा है सामने, दिख रहा है आपको? चार सर। भाग देख, आठ, सॉरी सर, छः। अरे एक यहाँ से बीच में, ये वाला पांच, ये वाला छः, ठीक है? तो सब देख लो, ये था अबाउट पी फोर ओ सिक्स, ये था अबाउट क्या, पी फोर ओ सिक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे पी फोर ओ टेन, और उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, उसके बाद ये फैमिली समाप्त हो जाएगी आज, ठीक है? देख लें, आई थिंक कुछ ना कुछ आप सीख जाओगे पक्का, इस आधे घंटे में कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे। चलिए अब आते हैं पी फोर ओ टेन बनाने के लिए। देखो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रिपरेशन की, तो बनेगा तो वही पी, थोड़ा एक्सेस में चाहिए, क्या बन जाएगा, पी फोर ओ टेन। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या होगा, ये वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडर, ऑर्डरलेस है, क्या है, ऑर्डरलेस, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम पी फोर ओ टेन में क्या डाल दें, कोल्ड वाटर, क्या डाल दें, कोल्ड वाटर टू एच टू ओ, सिर्फ दो मोल पानी है तो क्या बनेगा, एच पी ओ थ्री, इसका भी प्लस फाइव है। मैं बताया हूं कि भाई साहब पानी मिलाने से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, लेकिन देखो सिर्फ एक रिएक्शन जहां चेंज हुआ है वो ये वाले में, उसका भी रीजन मैं बता दिया हूं। देखो ना ये प्लस थ्री से प्लस फाइव चला गया था, बताओ इसका नाम क्या आएगा, तेजस, व्हाट इज द नेम ऑफ HPO3, H3PO से पानी निकला है, H3PO सर मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लेकिन सर अगर P4O10 में दे दे पानी और कुछ नहीं लिखा है, ना ठंडा लिखा है, ना गर्म लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मैक्सिमम वाला बना देना, नाम है H3PO4। तो चाहे हॉट हो चाहे कुछ ना लिखा हो, क्या बनाओगे, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अब ये कैसे बनता है, देखो छह मोल है ना, इसकी मैं सिक्वेंसिंग दिखाता हूं आपको, रटवाऊंगा नहीं, आपको एक सिक्वेंसिंग दिखाऊंगा कि कैसे बनता है, एस ई क्यू यू, अरे मेरी राइटिंग तो और गंदी है, क्यू यू ई एन सी ई। हम देखो ध्यान से, पी फोर ओ टेन में दो मोल डाला पानी, तो पहले क्या बना, HPO3, नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड लिखा है, फिर से इसमें डाला दो मोल पानी, क्या डाला, दो मोल पानी, तो दो दो कितना होगा, चार, तो ये बनेगा H4P2O7, साफ नहीं दिख रहा, मैं लिख सकता हूं, क्या बनेगा, H4P2O7। तुम इसका नाम बताओ, इसका नाम तो आपको पता है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम तुम बताओगे, दो मोल पानी फिर आएगा, तो दो मोल दो मोल दो मोल, बताओ मेरे भाई सप्तर्षि क्या बनेगा, ये हिंड ऊपर लिखा है, दो मोल दो मोल दो मोल, तो छह मोल हो गए, क्या बनेगा, हिंड ऊपर ही है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, चाहे सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड बोलो चाहे ऑर्थो फॉस्फोरिक बोलो, बात सेम है,
है ना, इसका नाम क्या आएगा देखते हैं कौन बता पाता है। सत्यम तेजस सप्तर्षि मेरे भाई बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस। हिंट नहीं दूंगा मैं, हिंट सर पारा, सर पारा फॉस्फोरिक एसिड, पारा पाइरो फॉस्फोरिक एसिड। तो जो कैसे बना होगा, दो फॉस्फोरिक लेके पानी, तो इसमें भी प्लस फाइव है, इसमें भी प्लस फाइव है, इसमें भी प्लस फाइव है। अब आईआईटी वाला पूछ सकता है कैसे सर पी फोर ओटेन है, उसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, किसे करा रहे हैं बताओ, दो मोल पानी से क्या बनेगा, मेटाफॉस्फोरिक, फिर दो मोल पानी पाइरोफॉस्फोरिक, फिर दो मोल पानी ऑर्थोफॉस्फोरिक। तो क्या पता एडवांस में वो सिक्वेंसिंग बना के पूछ दे। क्या बात समझ में आई, कोई डाउट? अच्छा आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये बातें पता है आपको, ये क्या है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कहीं से भी पानी निकाल सकते हाँ, पी फोर एटेन क्या है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, कोई भी कितना भी सख्त हो उसका पानी निकाल देगा, बस एक्वा अमोनिया का नहीं निकाल पाता था, है ना, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये मेरे भाई। तो सर हमें दिखाओ कि कैसे पानी निकलता है, चलो दिखाते हैं, पी फोर ओ डालेंगे, पी फोर ओ फोर ओटेन, अब पानी निकालेंगे, दुनिया में किस लिए आए पानी निकालने, तो P4O10 plus H2SO4, तुम दिमाग लगाओ क्या बनेगा, सोचो क्या बनेगा, अगर मैं H2SO4 का पानी निकाल दूं तो क्या बचेगा उसके पास, SO3, SO3, एक्सीलेंट जवाब, ठीक है क्या बनेगा SO3। अच्छा P4O10 में चलो दो मोल दे दिया मैंने, हिंट दे दिया, एक H2SO4 से एक मोल पानी निकलेगा, दो मोल H2SO4 से दो मोल पानी निकलेगा, बताओ P4O10 प्लस दो मोल पानी क्या बनने वाला है, इनऑर्गेनिक लॉजिक, ओ माय गॉड, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, P4O10 प्लस वाटर, अरे ये देखो P4O10 प्लस दो मोल पानी क्या बनता है सर, HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, तो चाहो तो रटो चाहो तो मैं समझा दे रहा हूं, चलो P4O10, ये तो भाई साहब गलती का गोली मार देंगे, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, ये नाइट्रिक एसिड है मैंने पढ़ा रखा है, इसका क्या होता है एनहाइड्रस फॉर्म, और चार मोल नाइट्रिक एसिड लिया है, अब आप बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, आई एम वेटिंग वेरी, रटना का नहीं रटने का नहीं, चाहो तो मैं एक हिंट दे दूं, ये मैं पढ़ाया हूं P2O5 plus HNO3, अरे P4O10 किस नहीं था, डाइमर है P2O5 का, ये मैं पढ़ा रखा हूं, गेस कर सकते हैं सर, हाँ हाँ बताओ एकदम कर सकते हैं, NO2 बनेगा सर, नो बेबी, अरे ये प्लस फाइव है तो प्लस फाइव में रहेगा ना, सिर्फ पानी निकालना है, पानी के निकालने से या डालने से ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता मेरे लाल, सर N2O5 plus HPO3, H3PO3, क्या बात है क्या बात है, ये बनता है N2O5 plus, अच्छा तो क्या ये मैं पढ़ा रखा हूं, हाँ या ना, यस yes, सर ये पढ़ा yes, रखा, अरे ये यही तो है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, हाँ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पढ़ाया है, तो आपको वहां लग रहा होगा सर ये तो रटने वाला है, अबे बिल्कुल रटने वाला नहीं है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, HNO3 का पानी निकाल देगा, HNO3 का पानी निकाल लेगा तो आपको पता है एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या होता है, वो N2O5 होता है, क्योंकि N2O5 में पानी डालोगे तो HNO3 बनता है, पानी निकालोगे तो कॉमन सेंस N2O5 बनेगा, तो मेरे भाई दो HNO3 मिलके एक पानी दे रहे हैं, चार HNO3 मिलके दो पानी दे रहे हैं, तो P4O10 प्लस दो मोला पानी क्या बनेगा, HPO3, देखो मैं एक रिएक्शन को बताने के लिए चार मिनट लगा रहा हूँ, HPO3,
इसका मतलब आप रटो नहीं, समझ के करो तो ज्यादा बेटर है। अब मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वैसे आप लोग समझदार हो। अच्छा आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं बताओ क्या बनता है? एसेटिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या बनेगा? अरे मैं बोल भी दिया, एसेटिक एसिड, एसेटिक एनहाइड्राइड। हाँ एसेटिक एनहाइड्राइड बनेगा। अब तुम बताओ क्या बनने वाला है, चलो लिखो प्रोडक्ट, सब लोग प्रोडक्ट लिखो। सर CH3 COO CH3 वेरी गुड प्लस HPO3। वेरी गुड एक्सीलेंट। CH3 COO COCH3 दिस इज कॉल्ड एसेटिक एनहाइड्राइड और 4 मोल ऑफ HPO3 दिख रहा है, 4 मोल ऑफ HPO3। चलो चौथा। अच्छा आपको पता है, देखो लॉजिक सिखा रहे हैं आपको, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पढ़ा होगा कि जब साइनाइड की हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या बनता है, और जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या बनता है देखते हैं कौन बताता है। पार्शियल में बनता है एमाइड, पार्शियल में क्या बनता है एमाइड, और कंप्लीट में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ये मैं हिंट दे रहा हूं नेक्स्ट के लिए, क्या बता आप ऑर्गेनिक भूल चुके हो तो बताना मेरे लाल। CH3CONH2 है, क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका? तो मैकेनिज्म भी होता है कि कैसे बनता है। CH3CN plus HPO3 खत्म, 2 मोल ऑफ CH3CN प्लस 4 मोल ऑफ HPO3। देखो इस चार रिएक्शन में मैंने 10 मिनट लगाए हैं, चाहता तो मैं इस चार रिएक्शन को 2 मिनट में पढ़ा देता, बोलता याद कर लो इनऑर्गेनिक है रटने वाला है, बोल सकते ना भैया इनऑर्गेनिक याद कर लो, लेकिन नहीं, इसमें कुछ लॉजिक्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है आगे बढ़े। चलो कुछ और रिएक्शन बताओ, दो रिएक्शन मैं आपको देता हूं, देखते हैं आप क्या गेस कर पाते हो। मैं दिया रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 6, 5 और 6 देता हूं मैं। P4O10 प्लस 10 मोल ऑफ कार्बन क्या बनेगा, और P4O10 प्लस 6 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनेगा? देखो इनऑर्गेनिक का दुख दर्द यही है कि क्या बनेगा, बस उसी में मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी। आप बताओ क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। कार्बन एक बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग है। सर P4 प्लस 10 CO। वेरी गुड, देखो ये है रिड्यूसिंग एजेंट बहुत तगड़ा, तो ये रिड्यूस कर देगा और ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, क्या बन जाएगा P4 प्लस 10 CO मॉलिक्यूल, क्या बनेगा P4 प्लस 10 CO मॉलिक्यूल। चलो ये बताओ ये क्या बनेगा, दिमाग लगाओ रटने का नहीं। सर कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड फॉर्मूला बोलो। सर CH3P2। नो अच्छा ध्यान सुनना सर, इसमें मैं आयन एक्सचेंज नहीं कर पा रहा हूं, तो जब दोनों ऑक्साइड है ना तो एक काम करो इसमें मिला दो पानी, क्या मिला दो पानी, और एक्सेस में ले लो, बताओ क्या बनाएगा तेजस। P4O10 प्लस पानी एकदम एक्सेस, बताओ क्या बनाएगा S3PO4 है ना, तो फास्फोरिक एसिड क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है तो बनाएगा ही। अच्छा इसमें डाल दो पानी, बताओ क्या बनाएगा तेजस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे लाल, इसका मतलब है ये इन दोनों की रिएक्शन है, एसिड और बेस की रिएक्शन है, अब बताओ क्या बनेगा। सो कैल्शियम फास्फेट। खत्म
खत्म खत्म टाटा बाय बाय, इसका आंसर है CA3PO4 का होल ट्वाइस। सर सॉल्ट प्लस पानी नहीं निकलेगा, अरे इसमें एच है ही नहीं तो कहां से निकलेगा, तो आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। देखो आप इसको रटते जैसे आपने बोला फॉस्फेट नहीं, तो क्या बनेगा CA3PO4 का होल ट्वाइस। आई थिंक आप समझ पाए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये होता है जादू इनऑर्गेनिक का। चलिए बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है P4O10 में, आईआईटी का क्वेश्चन है ये, कितने सिग्मा बॉन्ड है P4O10 में। इसका स्ट्रक्चर ऐसा था, अभी बनाया था पी ओ पी डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो ऐसा, ये है P4O16। देखो 12 तो पहले आ गए थे, बाकी ये चार बढ़ गए तो सिग्मा कितना गया 16, ये पूछा है आईआईटी में, ठीक है पीओपी बॉन्ड उतने ही है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आज का लास्ट टॉपिक बताओ क्या है तेजस। सर ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। वेरी गुड, क्या बात है सर, एक बार लास्ट पेज शो कीजिएगा। एकदम कर रहे हैं, हो गया सर। अब ये चार्ट देखना एनसीईआरटी में कैसे बनाया और मैं कैसे आपको पूरा विजुलाइज कराऊंगा, मजा आ जाएगा। मतलब ये टॉपिक पढ़ के आपको वो लगे बस पैसा वसूल। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, हाँ ध्यान देखना। बताओ फास्फोरस का सबसे, सर नेमिंग ऑफ ऑक्सिड ऑफ फास्फोरस बहुत प्रॉब्लम होता है, बस वही खत्म करने वाला आज आपका डाउट खत्म, बस ये समझ लो ठीक है सर। तेजस बस ये 5 मिनट दे देना मुझे, बताओ फास्फोरस में सबसे ज्यादा फेमस एसिड आपने कौन सा सुना है, उसको बोलते हैं रेफरेंस एसिड, बताओ कौन सा सुना है सर। फास्फोरिक एसिड। तो वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। ये देखो H3PO4। बताओ नाम क्या है इसका, फास्फोरिक एसिड। देखो नाम मैं बता रहा हूं, फास्फोरिक एसिड। और जब कोई अपना मेटा बना ले मतलब पानी निकाल सके, उसे बोलते हैं ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। ऑर्थो हम तब लगाते हैं जब किसी भी एसिड का पानी निकाल के हम क्या बना दें उसका एसिड, तो उसका नाम क्या आ जाएगा, मेटा फास्फोरिक एसिड। तेजस क्लियर हो रहा है, मेटा कब लगाएंगे, ऑर्थो कब लगाएंगे, ऑर्थो हम तब लगाएंगे ऐसे एसिड जिनमें हम पानी निकाल के मेटा बना सके, जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड, उसका नाम बोरिक एसिड है, फास्फोरिक ऑर्थो फास्फोरिक। क्या हम सल्फ्यूरिक को ऑर्थो सल्फ्यूरिक बोल सकते हैं तेजस, सोचो। नो सर, नहीं बोल सकते कि पानी निकालोगे तो मेटा सल्फ्यूरिक बन नहीं पाएगा, SO3 बन जाएगा, इसलिए ऑर्थो लगाएंगे। और एक पानी निकालने के बाद जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, मेटा। अब पानी निकालने से या डालने से ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो +5 रहेगा। चलिए दूसरा नाम देखो, दूसरा नाम अगर हम दो मॉलिक्यूल से पानी निकालें तो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल से पानी निकाल, पाइरो। पाइरो क्या नाम आएगा, पाइरो। तो ये होता है मेटा, एक पानी और दो पानी में पाइरो, तो नाम आ जाएगा पाइरो फास्फोरिक एसिड, ठीक है पाइरो फास्फोरिक एसिड। अब ध्यान सुनना क्या बनेगा फॉर्मूला, H3PO4 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, H6P2O8। पानी निकाल दो क्या बन जाएगा, H4P2O7। देखो ये भी नहीं रटना आपको, क्या बन जाएगा, H4P2O7। तो तीनों याद हो गए बिना किसी तकलीफ के, है ना। अब देखो चलो ऑक्सीडेशन को घटाया जाए, एक ऑक्सीजन निकालो बताओ क्या बनेगा, ये बन जाएगा H3PO4। क्या बन जाएगा, H3PO3। एक ऑक्सीजन और निकालो क्या बन जाएगा, H3PO2। क्या बन जाएगा, H3PO2। देखो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है ना उस एसिड को इक बोलते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक +6 पे है, उसके दो कम वाले को बोलते हैं
अस एसिड, तो नाम क्या जाएगा, फॉस्फोरस एसिड प्लस थ्री पे। जैसे सल्फ्यूरिक होता है H2SO4, तो सल्फ्यूरस क्या हो जाएगा H2SO3। फॉस्फोरिक मैक्सिमम पे है तो एक आएगा, एक कम क्या हो जाएगा अस आ जाएगा, तो ये प्लस थ्री। प्लस वन पे क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस के आगे अगर आ गया तो क्या लगाएंगे हम लोग, हाइपो, क्या लगाएंगे, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें इसमें अगर मैं एक ऑप्शन निकाला जो कि किसमें प्लस फाइव में, किसमें प्लस फाइव में क्या बनेगा, H4P2O6, इसका नाम है हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, ये प्लस फोर में है। अच्छा मैं आपसे एक नाम पूछना, बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ तेजस राउट, ना सर नाम कैसे जानेंगे बताना तेजस, व्हाट इज द नेम ऑफ H4P2O5, हिंट है प्लस थ्री है ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ H4P2O5। बोलो बोलो, देखो हिंट में लिख दिया कि अगर मैं H3PO3 को दो से मल्टीप्लाई करूं, हाइड्रोफॉस्फोरस, वेरी गुड, अब पानी निकाल दूं तो क्या बनेगा H4P2O5, तो क्या आ जाएगा पायरो फॉस्फोरस एसिड। आई थिंक आपको समस्या नहीं आएगी अब, नहीं फॉस्फिनिक एसिड कोई इसमें नहीं है, इसमें कोई फॉस्फिनिक एसिड अभी तक नहीं आया। ठीक है, चलो हटाएं से, वेट सर, पता है अगर तुम देखो वो वैसे बहुत रेयर पूछता है फॉस्फोनिक, उसमें वैसे कहाँ पढ़ लिए फॉस्फोनिक, कहीं दिया था क्या सर एनसीईआरटी में, दिया था कि H3PO2 को फॉस्फोनिक बोलते हैं और H3PO3 को फॉस्फोनिक। हाँ बस अब वो नाम है बस, है ना, फॉस्फोनिक। अच्छा मैं लिख दूँ कहाँ गया, फॉस्फोनिक, वैसे मैं इसको बहुत रेयर बताता हूँ, आपने पूछे सुटा दिया, फॉस्फोनिक। ठीक है, लेकिन इसी नाम से ज्यादा फेमस है। ठीक है तेजस, फॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस ज्यादा फेमस है। चलिए तो ये हो गया इसका नाम, आई थिंक अब आपको नाम में दिक्कत नहीं आएगी ना तेजस, कैसे नाम याद करेंगे ऑक्सोसिड का, तो आपको जो दिक्कत है बहुत प्रॉब्लम वो तो खत्म हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान देखना इसके स्ट्रक्चर, देखो देख लो आप इसको पहले हटा दिए, चलो हटा दिया। देखो तीन स्ट्रक्चर तुरंत बन जाएंगे, कौन सा H3PO4, क्या हो जाएगा H3PO4 हो गया, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा H3PO3, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा H3PO2, तो H3PO4, H3PO3 और H3PO2 में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, सबको पता होता है। लेकिन जैसे ही पूछता है भाई साहब H4P2O7 बनाओ, हमको नहीं पता, लोग कांप जाते हैं, अरे भाई साहब ये कैसे बनेगा, मैं क्या बोला कोई बात नहीं, देखो ये प्लस फाइव है, क्या है प्लस फाइव, तो फाइव वाला उठा लो एसिड, जैसे ही आप प्लस फाइव देखे प्लस फाइव उठा लो, दो फॉस्फोरस है तो दो मॉलिक्यूल लिखो, और देखो इसमें छह ऑप्शन हो गए, इसमें चार है, पानी निकाल दो, तो दुनिया में किस लिए आए हो, पानी निकालने, खत्म, पानी निकालने के लिए, पी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच बन गया स्ट्रक्चर, खत्म। दिख रहा कितना आसान है स्ट्रक्चर बनाना, बहुत आसान है भाई साहब, समस्या ही नहीं है। बताओ अगर मैं बोलूं H4P2O6, अगर मैं बोलूं H4P2O6 क्या करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, क्या बन जाएगा पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, क्या बता सकते हो व्हाट द फॉर्मूला ऑफ H4P2O5, सर इसमें प्लस थ्री है तो उठा लो प्लस थ्री वाला, हाँ तो अब क्या करोगे, इसमें दो मोल उठा लो, यहां पे ओ एच,
यहां पे OH, क्या कर रहे हो बस दुनिया में जिसलिए आए हो, क्या हो जाएगा OH H H OH। बताओ इन तीनों के स्ट्रक्चर में कोई समस्या आई क्या? सत्य नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कभी आ नहीं सकते मेरे भाई। अब देखो HPO3 ये एक मॉलिक्यूल नहीं बनता, ये N मॉलिक्यूल बनता है। कैसे? P डबल बॉन्ड O OH आता है, एक ऑक्सीजन और एक फ्री वैलेंसी, फिर P डबल बॉन्ड O OH, एक ऑक्सीजन एक फ्री वैलेंसी जो O से चिपक जाएगा, फिर आएगा P डबल बॉन्ड O OH, एक ऑक्सीजन एक फ्री वैलेंसी। तो ये ऐसे ही चेन चलता जाएगा। तो ये चेन कब खत्म होगा? सपोज हमने बोल दिया HPO3 का 3 बनाओ, तो इसका तो नाम क्या जाएगा? पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम आएगा? पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसको हम लोग साइक्लिक में बनाएंगे, साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है भैया, एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान देना कैसे बनेगा। हाँ, तीन है ना, पी हमने बोला डबल बॉन्ड ओ आएगा ओ एच आएगा, एक ऑक्सीजन एक फ्री वैलेंसी, फिर से पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है ना, एक ऑक्सीजन एक फ्री वैलेंसी, फिर से पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक ऑक्सीजन और एक फ्री वैलेंसी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो साइक्लिक है, साइक्लो, तीन मोल था तो ट्राई, और HPO3 का था मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आई थिंक इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। पूछ सकता है कितने POP बॉन्ड होंगे, कितने PP बॉन्ड होंगे, ये सब कहानी। हाँ सर। सप्तर्षि भाई कुछ अच्छा लगा पढ़ के ये ऑक्सीएसिड? कोई दिक्कत? सत्यम बताओ मजा आ रहा? हाँ सर सप्तर्षि भाई, ओके वेरी गुड। चलिए इस प्रकार आपका नाइट्रोजन फैमिली क्या हुआ मेरे भाई? समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीजन फैमिली, सुबह 9:15 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय द लाइफ।